पहले मुझे भी लगता था कि तुम्हारे अंदर एक जिद है, बचपना है, लेकिन अब मैं तुम्हें समझ सकता हूं। तुम वाकई में सबसे अलग हो स्नेहा। हमारी जिंदगी में सन्नाटा छा गया। इतना बड़ा हादसा हुआ प्रीता के साथ। सक्सेना को लेकर आती हूँ। स्नेहा, क्या हुआ? स्नेहा, क्या हुआ? माँ, माँ, क्या हुआ? माँ, कहाँ चली? माँ, हमको थोड़ा पैसा दे दो, पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है, माँ बर्बाद हो जाएंगे। क्या किया तुमने? हमने हमने नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। सच सच बताओ, क्या किया तुमने? चोरी की, डाका डाला? तेजाब, तेजाब है। इसने तेजाब फेंका। माँ, माँ, हमने हमने किस पर फेंका तेजाब? प्रीता, 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 माँ, अरे वो बहुत रोब दिखा रहे थे इसीलिए। और देखिए, अगर हम जाएंगे तो ये भी हमारे साथ जाएगा, इसलिए देर मत कीजिए, जल्दी से दीजिए। बेटा, आप ये ठीक नहीं कर रही है। दरवाजे से चला जा, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। जा बेटा, जा। रघु कहाँ है? क्या हुआ? वो तो सुबह से गया है, अभी तक लौटा ही नहीं। वापस नहीं आया? जी नहीं। अच्छा, एक मिनट रुकिए। को पीछे के दरवाजे से गया।
हम अपनी बेटियों को तो समझाते हैं कि अगर गली या मोहल्ले में छेड़छाड़ हो तो चुपचाप घर लौट आए, पर क्या हम कभी भी ये सोचते हैं कि क्या ऐसा करने से छेड़छाड़ बंद हो जाएगी? नहीं, समस्या की जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने बेटों की ऐसी परवरिश करनी चाहिए कि वो लड़कियों की इज्जत करना सीखे, और अपनी बेटियों को ये सिखाना चाहिए कि वो सर झुकाकर हिंसा को सहे नहीं बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठाए। स्नेहा दीदी, हम तो कहते हैं कि उन लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और अगर आप कहें ना तो ग्राम पंचायत में बात करके उनका हुक्का पानी इस गांव से तो क्या सारे गांव से बंद करवा दूं और उनके घर वालों को भी यहां से हटा दें। यानी रघु के किए गए अपराध की सजा उसके परिवार को भुगतनी पड़ेगी, ये कैसा न्याय है? तो क्या करें? मैं जानती हूँ कि आप लोगों के मन में बहुत गुस्सा है, पर इस गुस्से से आप क्या बदल पाएंगे? उन लड़कों में क्या परिवर्तन आएगा? कुछ नहीं, जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक वो ये हरकतें करते ही रहेंगे। नेहा दीदी, ये समाज इतना सीधा साधा नहीं है, तो यहाँ जिसे को तैसा देना पड़ता है तो वो दूसरे को कमजोर मानकर बैठ जाता है। दीदी, आप कहें तो हम सब मिलकर उन लोगों को सजा दें। आपको नहीं लगता कि ये जो लड़के भटक गए हैं, इनके भटकने के पीछे हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है? हमारी? एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों के बच्चे किशोर उम्र के? आखिरी बार कब आप लोगों ने तसल्ली से बैठकर उनसे बात की थी, या उनके मन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश की? उनके मन की कुंठा, उनकी शिकायत, उसको समझना चाह। लड़के कहाँ हाथ में आते हैं, बेटी से तो बैठ के हम बतिया सकते हैं, लड़के थोड़ी माँ के साथ बैठ के कान में खुसुर फुसुर करते हैं। यही तो हम गलती करते हैं, अपनी बेटियों को कैसे बड़ा करना है बस उसी सब में लगे रहते, ये मत करो वो मत करो, ये मत पहनो यहाँ मत जाओ, और बेटों को कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं सुनते। लड़का हो या लड़की, इस उम्र में दोनों के शरीर और विचार में बदलाव आते हैं, ऐसे में माँ बाप को उनका दोस्त बनने की ज़रूरत है। शुरू से ही मान लिया जाता है कि लड़का है, थोड़ी बदमाशी थोड़ी शैतानी तो करेगा ही, आप बताइए अपनी बेटी को पहला खिलौना आपने क्या दिया था? बिटिया को मैंने गुड़िया दिया था। और बेटे को? बेटे को घोड़ा गाड़ी बंदूक। आपके सवाल का जवाब आपके पास है? मेरे पास? अपने बेटियों को तो हम गुड़िया देते हैं और बेटों को बंदूक, यानी बचपन से ही हिंसा उनके लिए खेल है। हमारे बेटे कैसे बड़े हो रहे हैं इसके जिम्मेदार हम हैं। क्यों ऐसा होता है कि जब घर में कोई मेहमान आता है तो चाय पानी लाने के लिए बेटियों को बुलाते हैं, और बाहर का कोई काम हो या कोई झगड़ा झंझट तो बेटों को पुकारा जाता है? दीदी, हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रही हैं। रघु और उसके दोस्तों ने जो किया वो एक भयानक अपराध है, और मुझे कानून पर पूरा विश्वास है, पर क्या सजा देने मात्र से उन्हें सही रास्ते पर लाया जा सकता है? उन्हें सिर्फ डंडे की मार की नहीं, संवेदना के स्पर्श की भी जरूरत है। अपने भटके हुए लड़कों को, बेटों को
समझने की, समझाने की जरूरत है, ताकि जो प्रीता के साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो। प्रीता इस हालत में अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए जूझ रही है। हमारा पूरा परिवार इस घटना से सहम गया है। प्रीता की हालत गंभीर है। तेजाब चेहरे पे नहीं गिरा है पर पेट के हिस्से में गिरा है। बर्न्स काफी ज्यादा है। ऊपर से प्रीता सदमे में भी है। हम उसे अपने निरीक्षण में रखेंगे और जब तक वो खतरे से बाहर नहीं होती मैं यहीं हूं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। को मुंबई ले गए। डॉक्टर सक्सेना ने सर्जरी की और वो ठीक हो गई। हम मीलों दूर है, हमारा दिल कर रहा है हम दौड़ के आपके गले मिले, लेकिन क्या करें, दूरी बहुत है। आप जानते हैं, तेजाब मेरे शरीर को जला सकता है, मेरे सपनों को नहीं। मेरे वहां ना होने पर भी आप सबने मेरे सपनों को जिंदा रखा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मेरे जैसे न जाने कितनी सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा। काश कि उनके साथ भी उनका परिवार, उनके दोस्त, उनका समाज सब उनका साथ देता। छेड़छाड़ किसी भी प्रकार की हो, गलत, फिर चाहे कोई आपके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करे, आपको मानसिक रूप से परेशान करे, फोन कॉल या एसएमएस करे, डराए, धमकाए कि आपके साथ जबरदस्ती करे, चुप मत रहिए। चुप रहने से सामने वाले को बल मिलता है और आवाज उठाने से आपकी हिम्मत का अंदाजा होता है। सर, हमारा माथा थमथमा रहा था। हम गुस्से में तो थे हम, लेकिन ये तेजाब इसने फेंका था सर। हम सच कह रहे हैं, हम तेजाब इसने फेंका था। हम सच कह रहे हैं सर, हम एकदम बेगुनाह हैं। हमें माफ कीजिए, हमें जाने दीजिए। तुमने तेजाब फेंका था? हमको कोई लेना देना नहीं सर, यही चक्कर लगाता था उसके, इसी के कहने पर गए थे हम।
अरे गरम खून था, लेकिन वो भी तो कम नहीं थी, बहुत तेवर दिखा रही थी, इसीलिए। इसलिए क्या? क्या इसलिए? तेजाब फेंक दोगे किसी के मुंह पे? हाथ नहीं खापे तुम लोगों के? मिलता कहां से तुम लोगों को तेजाब है? सर अंदर जुगाड़ था। जुगाड़? पहले लड़कियों को धमकाओगे, नहीं मानेंगी तो तेजाब फेंक दोगे, लड़कों से नशाखोरी करवाओगे। बड़ा आश्चर्य है मुझे कि तुम लोग अभी तक बाहर छुट्टा कैसे घूम रहे हो। बहुत नेक इंसान है सर, हम पंडित जी के बेटे हैं, हमें जाने दीजिए। हम सच कह रहे हैं, अब अभी नशा नहीं करेंगे, अब हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। तुम लोगों को पता है कि किसी के चेहरे पर तेजाब फेंकने की सजा क्या है? उम्र कैद कानून के हिसाब से, लेकिन मेरी नजर में इस घिनौने अपराध के लिए ये सजा बहुत कम है। बहुत कम। छाती में दम नहीं और फुग्गा फुलाने चले थे। चुप! बड़ा छाती में दम है तुम्हारी। कांस्टेबल सर, लेके जाओ इनको और इनको बताओ इनकी छाती में कितना दम है। आके तुम लोगों से हिसाब किताब करता हूँ, पूरा कच्चा चिट्ठा निकलवाना, पता करो कितने गोरख धंधे इन लोगों के। लेके जाओ बाहर इनको। सर हम नशा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम सच कह रहे हैं, हमें घर जाने दीजिए। बाहर जाओ। प्रीता घर वापस आ चुकी है। घर लौटते ही आधे दुख हार जाते हैं। हमारी प्रार्थना को ईश्वर ने सुना। अब हम सबको प्यार से हमारी प्रीता के हर दुख को हराना है। हिम्मत ही वो ताकत है जिसके सहारे इंसान समंदर की हर विपरीत लहर को बिना झुके पार कर सकता है। प्रीता के पास भी वही ताकत है, हिम्मत, जिसके सहारे आज वो फिर से मैदान में खड़ी है, खेलने के लिए, जीतने के लिए। मुंबई में अर्जुन ने बहुत साथ दिया। अर्जुन और मैं अलग तो हो गए थे, पर अभी भी हमारे बीच में कुछ था जो अब तक टूटा नहीं था। स्नेहा, तुम उन लोगों में से हो जो शहर को छोड़कर गांव की तरफ लौट आए। तुम्हारी बात अलग है। पहले मुझे भी लगता था कि तुम्हारे अंदर एक जिद है, बचपना है, लेकिन अब मैं तुम्हें समझ सकता हूं। तुम वाकई में सबसे अलग हो स्नेहा। ना तो तुम कुछ पाना चाहती हो, ना ही कुछ हासिल करना चाहती हो। तुम अपने स्वार्थों से ऊपर उठ चुकी हो स्नेहा, लेकिन हर किसी में तुम्हारे जैसी हिम्मत नहीं होती। जिसकी आंखों में है जगमगाती हुई जैसे गहरी शराफत की एक रोशनी, जिसके अंदाज में एक तहजीब है, जिसके लहजे में नरमी है, शब्दों में तमीज है, जिसके दिल में भी और जिसकी बातों में भी औरत के वास्ते पूरी इज्जत भी है, पूरा आदर भी है, जिसको औरत के जीवन का, तनमन का सम्मान है, औरत के आत्मसम्मान का जिसको हर एक पल ध्यान है, जो कभी एक पल भी नहीं भूलता,
औरत इंसान है जिसको अपनी भी पहचान है, जिसमें हिम्मत भी है, जिसमें शक्ति भी है, जिसमें गौरव है, आत्मविश्वास है, जो अगर साथ है, जो अगर पास है, उसके होने से औरत को अपनी सुरक्षा का एहसास है। जो औरत का एक सच्चा साथी है, एक दोस्त है, एक हमदर्द है, सच तो ये है, वही मर्द है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ कि अगली कड़ी में मैं फिर लौटूंगा। सकती हूँ एक नई जान को सांसों में भर सकती।